वो है, मैं मॉम के घर से इधर आ गई थी, वहां पर मैंने करा लंच और फिर वहीं पर सब्जी वगैरह बना ली थी। तो मैंने कहा चलो लंच करके मैं घर के लिए निकलती हूँ, क्योंकि मुझे सिलेंडर भी लेकर आना था। तो बस फिर मैं निकला ही टाइम से, क्योंकि मैं जो हूँ शाम को बन जाती हूँ कादर खान, मुझसे जो है स्कूटी नहीं चलती। मतलब मेरे को डर लगता है, ऐसा नहीं है चला तो सकती हूँ, बट फिर भी मैं शाम को नहीं निकलती हूँ। मेरे को ये होता है कि सनसेट से पहले पहले जो है घर आ जाऊँ। तो मैंने अपने सारे काम कर लिए हैं अभी, लेकिन एक डर जो है बहुत ज़्यादा है, जो कि मैं अभी देख रही हूँ बाहर लोग जो है एकदम बेखौफ होके इस तरह भीड़ और ये वो सब चीज़ें, वो वैसा ही हो गया है। और इतने केसेस जो हैं दिल्ली NCR में, दिल्ली में बढ़ रहे हैं, जो मेरे को सुनने में आ रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। अब तो आई थिंक दिल्ली के जो CM है उनका भी जो है हाल बुरा हो रखा है। आज न्यूज़ देखा था मैंने, पता नहीं कौन से न्यूज़ चैनल पे, कि उनका भी चेकअप हो रहा है, तो आई थिंक उनको भी सिम्टम्स हैं। तो भैया जब क्या ही मतलब होने वाला है दिल्ली का हाल भी। तो दिल्ली वालों बहुत प्यारे हो तुम मेरे, और अपना ध्यान रखो, प्रिकॉशंस लो। सिर्फ दिल्ली वाले नहीं, दिल्ली NCR वाले भी, मुंबई वाले भी, सारे लोग जहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है ये सब चीज़ें, सब लोग जो है यार अपना ध्यान रखो इन सब चीज़ों के लिए। और हम लोग भी पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरे को मम्मी कह रही है ये नुस्खे करो वो नुस्खे करो, तुम ये चीज़ खाओ ये करो। तो मेरे को भी ये चीज़ लग रही है कि हाँ, माँ होने के नाते यार मैं भी अपने बच्चे का थोड़ा सा देखूँ, पेरेंट्स को भी देखूँ कि ये सब चीज़ें, इससे जो है हमारा इम्यूनिटी अच्छा हो, एनर्जी लेवल बढ़े और डाइजेशन भी सही रहे, जिससे इन सब चीज़ों से हम जूझ सकें। जो भी है COVID-19 की जो सिचुएशन चल रही है उनसे हम लोग थोड़ा सा यार डील कर सकें। तो मैं जो हूँ ना, आपको एक आज चीज़ बताती हूँ। इसमें एक चीज़ है, अगर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और ये सारी चीज़ें, तो इसके लिए आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो। एप्पल साइडर विनेगर जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ होती है हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए, हमारे इम्यूनिटी के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, क्योंकि वो डिटॉक्सिफाई करता है बहुत सारी चीज़ें ना, तो इसीलिए लोग सुबह में लेते हैं एप्पल साइडर विनेगर। बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मुझे जो है, मैं एप्पल साइडर विनेगर मैं एक दो बार लिया लिक्विड वाला, और मैंने कोशिश करी उसको लेने की, बट उसमें जो एक स्मेल होती है, फॉल्सी स्मेल होती है, और उसका जो टेस्ट होता है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। लेकिन एक दो बार मैंने ट्राई करा, देन मेरे को मैं सोच रही थी ऐसा क्या हो कि मैं आराम से वो चीज़ ले सकूँ, मतलब एप्पल साइडर विनेगर का कोई ऑल्टरनेटिव हो अगर मैं ले सकूँ। क्योंकि उससे क्या होता है, अगर सीधा आप एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हो, अगर टीथ के कॉन्टेक्ट में आता है तो टूथ इरोजन का बहुत ज़्यादा, यानी आपके एनेमल जो होते हैं टीथ के, वो डैमेज हो सकते हैं। तो ये भी चीज होती है, अगर आप लिक्विड वाला एप्पल साइडर विनेगर ले लो, और उसका जो एक सॉर सा टेस्ट होता है और उसकी एक फॉल्सी जो स्मेल होती है, वो तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि ऐसी क्या चीज है जो कि बच्चे भी ले सकें और बहुत आराम से, क्योंकि अगर मैं एप्पल साइडर विनेगर दृष्टि को दूंगी वो बिल्कुल भी नहीं उसको पीने वाली है, क्योंकि मुझे पता है उसको स्मेल आएगी और वो छोड़ देगी। तो मुझे ये लग रहा है कि वो इसी चीज में खा ले। और मैं इसका एक ऑल्टरनेटिव आपको बताने वाली हूं कि एप्पल साइडर विनेगर गमीज आप इनको जो है इनको यूज कर सकते हैं इस टाइम पर। तो ये जो है ये नेचुरीज का इस तरीके का एक बहुत ही क्यूट सी बॉटल है, रेड कलर की नेचुरीज का है ये एप्पल साइडर विनेगर गमी जेली। तो ये जेलीज है, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके की इसके अंदर जेलीज आती हैं। ये कुछ इस तरीके की जेली है जो खानी होती है। तो इसमें जो है बिल्कुल भी आपको कोई स्मेल नहीं आएगी एप्पल साइडर विनेगर की तरह, जो भी उसमें एक सॉर सी एक उसका टेस्ट होता है वो भी नहीं, और इसे बच्चे भी खा लेते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, दृष्टि जो है ये एक बॉटल मैंने वहाँ पर रखी हुई है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, उसमें दो चार ही पड़े होंगे। ये एक बॉटल मैं इधर लेकर आई थी, तो बाकी जो है मम्मी भी ये ले सकते हैं, तो सारे लोग इसको ले सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और आपको पता है एप्पल साइडर विनेगर के बहुत सारे फायदे होते हैं। तो सबसे बढ़िया चीज़ जो है इसके अंदर फॉलिक एसिड है, B12 है, और इसमें बीट रूट है, पॉमीग्रेनेट है, यानी न्यूट्रिएंट्स भी हैं इसके अंदर। तो ये जो है हमारा एक तरह से इम्यूनिटी तो अच्छी करेगी, साथ में जो है एनर्जी लेवल भी जो है उसको भी बूस्ट करता है ये। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये नेचुरीज का, आप देख सकते हैं। और अगर आप इसको लेना चाहते हैं, आप फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन कहीं से भी ले सकते हैं। 499 रुपीज़ का है, बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है ये, तो इजीली आपको ये मिल जाएगा, आप इसको मंगा सकते हैं और इसको ले सकते हैं। इसको जो है आप दो गमीज जो है इसको डेली आपको लेनी है, ये आपको डेली लेनी है, तो इससे आपका जो इम्यूनिटी है वो आपका बरकरार रहेगा।
तो यही चीज होती है। अब एप्पल साइडर विनेगर जो कि लिक्विड होता है, अगर आप कहीं लेकर जा रहे हैं तो उसको कैरी करना मुश्किल है, बट इसको अगर आप कहीं पर जा रहे हैं तो आप साथ में ले जा सकते हैं। अगर आप कोई रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो आप इसको खा सकते हैं। और इसके अंदर जो है 60 गमीज होती हैं, और जो इसका टेस्ट है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और इसके अंदर जो एप्पल यूज करे गए हैं, एप्पल साइडर विनेगर में जो एप्पल डाले गए हैं वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के एप्पल्स हैं। तो इस एप्पल साइडर विनेगर के अंदर जो विनेगर यूज करा गया है उसका मदर पार्ट यूज करा गया है विनेगर का, यानी उसके अंदर इंजाइम्स एंड बैक्टीरियाज हैं। और इसको वेगन लोग भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें जो सब्सटेंस डाले गए हैं वो बिल्कुल नेचुरली जो एक्सट्रैक्ट करे गए हैं वो डाले गए हैं इसके अंदर। तो इसमें अगर आप वेगन हो मेरी तरह तो भी आप ले सकते हो, और बच्चे भी खुशी खुशी इसको खाएंगे क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज्यादा यमी है और इसका फ्लेवर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो बच्चे भी खा सकते हैं, आप भी खा सकते हो। मेरे जैसे लोग जिनको जरा सी स्मेल आती है तो नाक को यूं कर लेते हैं, अरे नहीं इसकी स्मेल अच्छी नहीं है। तो मेरे को एप्पल साइडर विनेगर वैसे लिक्विड वाला लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो और ये ब्रांड जो है नेचरीज का ब्रांड, सबसे बेस्ट ब्रांड है ये इस टाइम पे गमीज के लिए, तो एप्पल साइडर विनेगर गमीज, तो ये आप इस ब्रांड का ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, इजीली अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं। और इस जो भी COVID-19 की जो सिचुएशन चल रही है यार, ये सब चीज़ें लोगे तो ही आपका जो इम्यूनिटी अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, थोड़ा सा फाइट कर पाओगे इन सब चीज़ों से। ठीक है, अपना भी ध्यान रखो, अपने बच्चों का भी ध्यान रखो, सबका ध्यान रखो। जाना है मार्केट दोबारा से कुछ सामान लेने के लिए, और वो ज़रूरी चाहिए मेरे को। और देखो यार निकलना ही पड़ता है, क्या कर सकते हैं, अब निकलना ही है। तो अपना मुंह कवर करो अच्छे से, ये सब चीज़ें खाओ, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करो, और काम तो करना ही है। डर के काम नहीं चल सकता, घर में बैठ के काम नहीं चल सकता। मेरे जैसा बंदा जो कि अकेले ही जिसको सारे काम करने हैं वो बंदा घर में भी नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो जाना ही पड़ता है मेरे को। अगर मुझे कुछ डेली बेसिस की चीज़ें लानी है, तीसरे चौथे दिन निकलना ही है। आप शॉप से नहीं बच सकते हो, आप कहीं और बाहर जाने से नहीं बच सकते हो, मॉम डैड से भी मिलना है, कभी कुछ सबके लिए काम करना है यार, तो वो बच ही नहीं सकते। तो और इस टाइम पे जो केसेस हो रहे हैं वो मल्टीपल्स हो गए हैं, मतलब कितने ज़्यादा केसेस, अब तो कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब पता नहीं कितने लोगों को होने ही वाला है, ये होगा ही। लेकिन फिर भी आप अपनी इम्यूनिटी जो है उसको अच्छा बनाए रखें, अपने आप को थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, तभी आप थोड़ा सा है। लेकिन डर के कुछ नहीं होने वाला, डर के कोने में बैठने से भी कुछ नहीं होना, काम भी करना है। जिसने कमाना है उसने कमाने भी बाहर जाना है यार, जिसने सामान लेकर आना है उसने सामान लेने भी बाहर जाना है, और कुछ नहीं हो सकता। बस हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, हैंड वॉश कर सकते हैं बार बार, जो चीज़ें हम खा सकते हैं, विटामिन सी ले सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा कर सकते हैं, वो चीज़ें ले सकते हैं। मम्मी घर में बड़ी सारी चीज़ें और बताती हैं मेरे को कि ये चीज़ बना लियो, वो चीज़ बना लियो। कल मेरे को बता रही थी, कुछ रेसिपी शेयर कर रही थी कि तू घर जाके बेटा ये लेने ला, गर्म पानी पियो, गर्म पानी पीना है थोड़ा सा, ठीक है ठंडा पानी, क्योंकि गर्मी है, हम लोग ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं, तो बीच बीच में गर्म पानी भी, तो गर्म ये नहीं उबला हुआ पानी, नहीं वार्म वाटर आई मीन, वो लेना है। बहुत सारी और चीज़ें जो है वो प्रिकॉशंस यार लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है हम लोगों के पास। अपना ध्यान रखो गाइज, अपना ध्यान रखो। मैं फिर बोलूंगी, दिल्ली वालों बहुत प्यारे हो तो मेरे को बहुत प्रीशियस हो, अपना ध्यान रखो ठीक है, और सारे लोग ध्यान रखो ठीक है, सारे लोग, क्योंकि मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स दिल्ली से भी हैं। तो मैं यही कहूँगी, बहुत ही बुरा वाला सीन चल रहा है वहाँ के सीएम के साथ भी, कुछ उसको ही हो गया है, तो आगे तो पता नहीं क्या ही लोगों का होने वाला है। तो बहुत इस टाइम पे यार हो रहा है ये सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा केसेस। आई मीन ध्यान रखो, डर के काम नहीं करना है लेकिन समझदारी से करना है, प्रिकॉशंस लो, ऐसे लोगों से दूर रहो, मास्क लगा के रखो ठीक है। वो सबको पता है कि क्या क्या करना है, वो करना ही पड़ेगा, और डर के काम नहीं हो सकता। डर गए तो क्या ही होगा फिर हमारा, है ना। अब तो जो होना है वो मंजूर खुदा होना है हमारा। तो चलिए गाइज, ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूंगी किसी और नई वीडियो में। बाय बाय।